पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और प्रदेश में रोज निर्दोष नागरिकों की जनहत्या हत्याएं हो रही है। कमलनाथ जी के शासनकाल में माफिया, दलाल, अपराधी सब बर्बाद हो रहे थे और अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में माफिया, दलाल, हत्यारे, बलात्कारी सब फल फूल रहे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार अपराध गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अनेक स्थानों पर हत्या, बलात्कार जैसे अपराध आम बात बन गई है। जगह जगह देशी कट्टों का प्रयोग हो रहा है, भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जमावड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मंडला में NSUI के महामंत्री सोनू परोचिया, दलित वर्ग का एक नौजवान, उसकी हत्या निर्मम हत्या कर दी गई। हैप्पी यादव बजरंग दल का नेता है, गोली मारी और उसके ऊपर गाड़ी चला दी। उसके बाद पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद का नेता रवि विश्वकर्मा दिन दहाड़े बीच होशंगाबाद शहर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले लोग कौन? भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के मुन्ना गुर्जर और उसके साथी अभी तक नहीं पकड़े गए। अभी दो दिन पहले जावरा में सोनू यादव, जिसकी शादी होने वाली थी, ब्यूटी पार्लर में घुसकर दो भारतीय युवा मोर्चा के सदस्य राम यादव या पवन पंचाल दोनों ने मिलकर शादी जिसकी हो रही थी सोनू यादव, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। भोपाल शहर में छोला थाने में दो छात्रों की हत्या कर दी गई, गोद गोद कर, चाकू से गोद गोद कर। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह, आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्वों ने घर पे जाकर उनके साथ मारपीट की, हत्या का प्रयास किया। ये सारी घटनाएं शिवराज सिंह जी आपके राज्य में हो रही हैं और आपसे जब मिलने का समय मांगा जाता है तो आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। मैं चाहता हूं कि पिपरिया में हमें भरोसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी क्योंकि स्थानीय TI की फोटो अपराधी मुन्ना गुर्जर ने अपने फेसबुक पर डाली हुई है। हम चाहते हैं कि, मैंने DGP साहब से चर्चा की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वहां पे गठित की जाए और रवि विश्वकर्मा के हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कमलनाथ जी के समय आपराधिक गतिविधियां नियंत्रण में थी, लेकिन जैसा कि तुलसी सिलावट जी के सभा में शिवराज सिंह जी ने कहा कि अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम सब बर्बाद हो जाते। हम सब में कौन शामिल है? रेत माफिया, भू माफिया, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, ये सब लोग आज इस भाजपा के राज में फल फूल रहे हैं, नियंत्रण के बाहर है। इस पर नियंत्रण करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं क्योंकि आज स्थिति बिगड़ती जा रही है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।